ये आपके पास है जो यूट्रस की बॉडी. यूट्रस की बॉडी इज़ रिलेटेड टू अ पाउच विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन यूट्रस एंड ब्लैडर, एंड दैट पाउच इज़ नॉन एज यूट्रोवेजिकल पाउच. ठीक है, तो बॉडी ऑफ द यूट्रस के सामने यूट्रोवेजिकल पाउच है एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर. ठीक हो गया. फिर आ जाते हैं जी सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स. ये नीचे वेजाइनल सर्विक्स है जो वेजाइना को पियर्स कर रहा है, उसके ऊपर है सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स, तो उसके बिल्कुल सामने सुपीरियर सर्फेस ऑफ ब्लैडर है. वेजाइनल सर्विक्स की हम बात करते हैं तो उसके सामने होगा इंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना. वेजाइना में हम देखेंगे चार फॉर्निसेस होते हैं. ठीक है, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, ये एंटीरियर है और दो लैटरल भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो वेजाइनल सर्विक्स है उसके सामने वेजाइना का एंटीरियर फॉर्निक्स होगा. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस की तरफ. ओके, पोस्टीरियरली यूट्रस इज़ रिलेटेड टू रेक्टो यूट्राइन पाउच. ठीक है, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है जो कि रेक्टम और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट होता है. एक ये पाउच होगा, इसके अलावा सिग्मोइड कॉलन होगा और इलियम के कॉइल्स होंगे. ठीक है, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ यूट्रस. फिर आ जाते हैं लैटरल रिलेशंस पे. अच्छा, लैटरली जो है ना, हम फिर लैटरली तीनों पार्ट्स को देखेंगे. बॉडी इज़ रिलेटेड टू ब्रॉड लिगामेंट सबसे पहले. ठीक है, ये जो आपको पेरिटोनियम का पोर्शन नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ ब्रॉड लिगामेंट. तो अगर लैटरली देखेंगे हम ऊपर वाले पार्ट को, बॉडी इज़ लैटरली रिलेटेड टू फर्स्ट ब्रॉड लिगामेंट, सेकंड यूट्राइन आर्टरी और साथ ही इसके कोरस्पॉन्डिंग यूट्राइन वेन भी होगी. ठीक है, ये तीन चीज़ें बॉडी के रिलेटेड हैं लैटरली. सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स की अगर हम बात करते हैं, दिस सर्कुलर पोर्शन ये जो नज़र आ रहा है ये यूरेटर है. ठीक है, तो सुप्रा वेजाइनल पोर्शन इज़ रिलेटेड टू यूरेटर और नीचे जो वेजाइनल सर्विक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना. ठीक है, वेजाइना का एंटीरियर फॉर्निक्स है, पोस्टीरियर फॉर्न एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा और ये साइड पे लैटरल है. तो वेजाइनल सर्विक्स इज़ रिलेटेड टू द लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना. ठीक हो गया. अच्छा जी, फंक्शन क्या होता है यूट्रस का? यूट्रस का काम ये होता है कि उसने एक तो फर्टिलाइज्ड जाइगोट को रिसीव करना है, उसको रिटेन करना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, उसकी डिवेलपमेंट उसके अंदर होनी है. ठीक है, नेक्स्ट हम